आप दोपहर के 1:30 है। इस सफर की शुरुआत हमने कल शाम को 6 बजे की थी और आज सुबह हम 6:30 सावंतवाड़े में आए थे। सावंतवाड़े में हम कुछ आराम करके फ्रेश होके बाहर निकले हैं। अब हम वेंगुर्ला बीच देखने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे गुरुजीज ब्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे हम बहुत सारे बीचेस और अच्छा अच्छे पॉइंट हमारे चैनल से आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों मैं हूँ फुंदारटी और हमारे गुरुजीज ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों हम वेंगुर्ला बीच देखने जा रहे हैं। दोस्तों वेंगुर्ला एक बीच भी है और एक बंदर भी है। ये जो वेंगुर्ला है ये महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में आता है। देखिए दोस्तों पीछे आपको समुंदर और पानी ही पानी नजर आ रहा है। दोस्तों अब हम वेंगुर्ला बीच पहुंच गए हैं। हमारे पीछे आपको एक बड़ा हाथी का शिल्प नजर आ रहा है और आगे समुद्र में पानी ही पानी आपको नजर आता होगा। देखिए दोस्तों पानी ही पानी है। दोस्तों पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ काफी भीड़ थी, बहुत सारे पर्यटक यहाँ थे, लेकिन आजकल पूरे देश में जो लॉकडाउन चल रहा है इसके कारण यहाँ भीड़ ना के बराबर है। हमारे पीछे आप देखिए आपको स्पष्ट रूप से बहुत सारे शिप्स नजर आते होंगी और उधर बहुत सारे नारियल के पेड़ भी आपको नजर आते होंगे। देखिए डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठ दापोले के प्रादेशिक कृषि संशोधन केंद्र वेंगुर्ला में आज हम हैं और इस संस्थान में फल के ऊपर जो संशोधन किया जाता है उनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। मैं अब इस संशोधन केंद्र में अंदर आ चुका हूँ। बहुत बड़ा ये एरिया है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ये बड़ा एरिया होगा और यहाँ बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स के पेड़ है और यहाँ इस फ्रूट पर काफ़ी रिसर्च का काम किया जाता है। देखिए दोस्तों इस रिसर्च सेंटर में बहुत सारे जो फ्रूट है उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है। आपने पहले ही देखा और भी हम दिखाने वाले। देखिए दोस्तों यहाँ ये जो सुपारी का पेड़ है उनको कुछ छोटे छोटे फल आपको लगे हुए स्पष्ट रूप से नजर आते होंगे। देखिए दोस्तों और यहाँ एक चेरी का पेड़ है, शायद आपने कभी देखा होगा। देखिए चेरी का पेड़ है और हमारे हाथ में ही चेरी है। पेड़ के बारे में दोस्तों आपने कभी सुना है? मैंने भी सुना नहीं है। देखिए ये हाँ जो फ्रूट है ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। दोपहर 12 बजे हमने वेंगुर्ला के एक बंदर पर और एक बीच पर यह वीडियो शुरू किया था। अब हम वेंगुर्ला के दूसरे एक प्रसिद्ध
बीच पे रहे सागरेश्वर बीच। और यहाँ हम ये वीडियो, आज का ये वीडियो यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं।